अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आज अक्टूबर की 29 तारीख 2020 जुमेरात के दिन सिडनी में शाम के 6 बजे, पाकिस्तान में सुबह के दोपहर के 12 और बरतानिया में सुबह के 7 बज चुके हैं। दोस्तों, आपकी मेज़बान डॉक्टर निकत नसीम आपका प्रोग्राम रिस्क के फिक्र के साथ हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 12 रबीउल अव्वल है और इस तारीख की मुनासबत से मैं आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ज़ुहूर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करती हूँ और तमाम कायनात को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अब आपकी खिदमत में मैं हदिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना चाहती हूँ। पता पेश है कि रहमतों का मुझ पे हर लम्हे बरसना देखना, रहमतों का मुझ पे हर लम्हे बरसना देखना और मेरा जालियों से लग के रोज़ा देखना। किस तरह होगी फिदा मुझ पर हवा उस शहर की, किस तरह होगी फिदा मुझ पर हवा उस शहर की, तुम मदीने में जरा निगहत का रुतबा देखना। और दोस्तों, हदिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश आए कि जबान को पाक करने के लिए सल्लल्लाह कहना अजब एक मौजज़ा है, ये कसीदे में सना कहना, अजब एक मौजज़ा है कसीदे में सना कहना, फकत निगहत करम है ये बाबे शहरे इल्म का मुझ पर, वगरना कब मेरी किस्मत थी नाते मुस्तफ़ा कहना। दोस्तों, एक बार आप सबको जश्न ज़रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो मिलाद नबी की। आप सबकी खिदमत में सलाम और खुश आमदीद इस प्रोग्राम में आप सबके लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारे प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहे हैं, हमारे मेहमानों से आप सवाल पूछते हैं और वो बहुत ही खूबसूरती से इसका जवाब देते हैं। दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं खालिद नदीम शानी, जिनका ताल्लुक मियांवाली पंजाब से है और उनकी अब तक 3 किताबें आ चुकी हैं। उनका हवाला शायरी और अफसाना निगारी है, नावल पे काम कर रहे हैं। उनकी किताब बादल खुशबू और हवा 2008 में पब्लिश हुई, आम के दरीचे में 2010 में पब्लिश हुई और तीसरी किताब आप 2012 में पब्लिश हुई। आजकल एक नई किताब पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है निर्वाण, और ये अपने उनवान के हिसाब से बहुत खूबसूरत है और अपने और बहुत कुछ तालिब है कि उसे पूछा जाए। और जिस नावल पे काम कर रहे हैं, हम उनसे उन पर उस पर भी बात करेंगे कि वो आखिर किस मौजू पर बात कर रहे हैं। उनके जो अशआर मुझको क्या पूरी दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही मजबूत और तवाना शेर कहते हैं, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, उनका बहुत मकबूल शेर है और उनका फरमाइश हर जगह पर इसकी होती है, तो हम उनसे भी सुनेंगे और आप इस वक्त मुझसे भी सुनिए। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। दोस्तों, उनका एक और शेर बहुत खूबसूरत है कि जीना आता है मगर जी नहीं सकते खालिद, जीना आता है मगर जी नहीं सकते खालिद, जीने वालों को यहाँ लोग बुरा जानते हैं। इश्क में तजुर्बात मत करना, अब किसी से भी हाथ मत करना। दोस्तों, इस तमाम इन तमाम खूबसूरत अशआर के खालिक आज हमारे मेहमान हैं खालिद नदीम शानी। आइए हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निगहत अपा, क्या हाल चाल है खालिद, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है, आप ठीक हैं? खैर मुबारक, बिल्कुल ठीक ठाक। जश्न ईद मुबारक, जश्न ईद मिलाद नबी आपको भी, आपको भी और आपकी वसातत से आपके सब सुनने वालों को जश्न मिलाद मुबारक हो। खैर मुबारक, मैं उनकी तरफ से कह देती हूँ। अब खालिद बात सुनो, ये देखो ये सारे पेजेस देख रहे हो, ये सारे जो है वो सवाल आए हैं दोस्तों के जो पूछना चाहते हैं, तुम इससे अपनी मकबूलियत का अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, और मुझको इतनी मुश्किल कि मैं अपने सवाल पूछूं कि मैं उनके पूछूं, तो सोच ये रही हूँ कि थोड़ी सी इब्तदा मेरा जी चाहता है कि मैं करूं और उसके बाद फिर हम अपने जो है ना दोस्तों के सवाल से बात करेंगे। तो शानी, पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया NNC के मेहमान होने के लिए, बहुत शुक्रिया इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, इसका भी शुक्रिया, और इतना अच्छा शेर कहते हो इसका भी शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है, मैं दरअसल ये सब कुछ आपने जितनी मोहब्बत से ये सब कुछ बताया है मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानती हैं कि 10 साल से फेसबुक पे आपके
जेरे साया हमने ये शेर का सफर तय किया है, आपसे 10 साल से आपके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अगर कुछ सीखा है इस हवाले से और कुछ बेहतरी है, तो वो उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। शानी ये बताओ पहले कि शानी क्यों, मतलब ये शानी तुम तकद्दुस भी नहीं करते हो, खालिद हाँ ऐसा तकद्दुस ही है, करते हो, तो ये बिल्कुल। शानी क्या है, मैं शानी कौन है? शानी दरअसल यूं समझ लें कि मेरा बचपन का नाम है। मुझे ना घर में ना होता है ना कि एक ददियाल का नाम, एक ननिहाल का नाम, तो मुझे ये मसला दरपेश था कि कुछ मेरे जो बुजुर्ग थे मुझे खालिद नदीम के हवाले से जानते थे, और कुछ मुझे प्यार से शानी कहा करते थे, जो शायद अच्छा नाम रखना चाहते थे शानी के हवाले से। तो फिर नाम अच्छा तो मेरा खालिद नदीम ही रहा, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि उन बुजुर्गों को भी अपने साथ शामिल रखूं। और अदबी तौर पर जब मैंने शायरी का आगाज किया, तो फिर बाकायदा तौर पर खालिद नदीम शानी, और ये अमजद इस्लाम, अमजद अहमद नदीम कासमी, उन्हीं के ना मैंने सोचा कि ये ना अदबी ऐसा होता है, तो मैंने भी अपने नाम के साथ खालिद नदीम नाम शानी ऐसा का रख इजाफा लिया। कर दिया। That's so great. That's so great. अच्छा शानी ये बताओ कि ये कि सवाल जो है थोड़ा सा मुझे हमेशा से तंग करता है, ये कि देखो एकेडमी ऑफ लेटर्स है, हाँ, उनका काम है कि नए लोगों को प्रमोट करें, और ऐसे लोग ये कि जो जिनको एक्सपोजर मिलना चाहिए उनको एक्सपोजर जो है वो नहीं मिलता है ना, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये वाकई उर्दू की तरक्की और तरवीज में कोई काम कर रहे हैं, इनका कोई किरदार है मैं या समझता ऐसे हूँ ही कि अगर आप इदारा जाति माहौल की बात करेंगी ना, तो उस सतह पर कोई इतना म्यारी काम नहीं हो रहा। और सही अगर आप ऐसे कहेंगे कि उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए मजबूती तौर पर काम हो रहा है या नहीं, तो मैं उससे 100% मुतमयन हूँ कि बहुत ही आला काम हो रहा है उर्दू के लिए, उर्दू की तरवीज के लिए तो भी और बिल्कुल फिर उर्दू की इंफ्रादी तरक्की तौर के पे लिए हो रहा भी। होगा ना, फिर तो वह इंफ्रादी इंफ्रादी तौर पे हो तौर रहा होगा पर ना। उर्दू से मोहब्बत करने वालों ने इसके लिए अपने आप को बहुत ज्यादा वक्फ कर रखा है, और उर्दू के लिए पूरी दुनिया में जहाँ बहुत सी जगहों पर ना ऐसे लोग मौजूद हैं उर्दू से मोहब्बत करने वाले, जो अपने तौर पर इसकी बहुत खिदमत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, तो हमारी सरकारी जुबान होनी चाहिए थी, कौमी जुबान को ही सरकारी जुबान होना चाहिए था, जो हम आज तक उसको सरकारी जुबान नहीं बना सके, तो उसमें मसाइल हैं बहुत सारे अभी तक। मैं समझता हूँ कि उर्दू के हवाले से पाकिस्तान में इदारा जाति हवाले से वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए, जिसको सही मुनासिब सतह पर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और जो इंफरादी सतह तक बात है, तो वो पाकिस्तान में भी उर्दू के हवाले से बहुत खूबसूरत और और बड़ा बड़े लेवल का काम हो रहा है। बड़े लेवल का काम हो रहा है। अच्छा ये बताओ, ठीक है काम हो रहा है, हम भी देख रहे हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, मुशायरे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शेर के अंदर से जो शेरियत होती है ना, यानी कि एक रवानी, एक तरन्नुम, एक तकज़ुल जो होता है शेर के अंदर, वो नहीं रहा। इसकी क्या वजह है कि हम पर कोई क्या क्या अनासिर है जो हम पर हावी हो रहे हैं, जैसे जैसे कभी सियासत हावी हो जाती है, कभी कुछ, तो ये शेरियत पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहा आज का नौजवान? बिकॉज मैं आज का इसलिए कह रही कि तुम उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये सब क्यों नहीं है, मैं क्यों इस समझता पे हूँ कि आज तवज्जो का नहीं है? नौजवान भी ना बहुत अच्छा शेर कह रहा है आपा, बस हम चूंकि हम आप जरा पुराने लोग हैं, तो हमें वो पुरानी वाली शेरियत अब दस्तयाब नहीं होती। आप हम ये कह सकते हैं कि शेरियत ने अपना चोला बदल लिया है, ये नहीं है अच्छा कि शेरियत मौजूद नहीं है, शेरियत ने अपना चोला बदला है, और उसकी वजह हमारी ये जदीद जिंदगी है, जदीद तर्ज जिंदगी जो अब हमने आज के इंसान ने अपना लिया है, जो उसके जो तकाजे हैं उसको निभाने के लिए। आज आप देखें कि आज टिकटॉक स्टार्स आपके सामने हैं, यूट्यूब स्टार्स आपके सामने हैं, फेसबुक स्टार्स आपके सामने हैं, तो ऐसे जो लोग हैं ना उनके लिए बड़ा जल्दबाजी आ गई है थोड़ी सी। बहुत लोग थोड़े से वक्त में बहुत सारा नाम कमाना चाह रहे होते हैं और बहुत आगे जाना चाह रहे होते हैं। इस भीड़ भाड़ में गलत भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन नौजवान आज के दौर का जो नौजवान है, तो वो अपने दौर के तकाजे पूरे करते हुए बड़े पावरफुल तरीके से शेर भी कह रहा है और आगे भी आ रहा है। और मुझे तो मैंने हमेशा ये कहा है कि हमें आज के नौजवान को बड़ी खुली बाहों से
उसका इस्तकबाल होना चाहिए, हमें उन्हें करना रास्ता चाहिए। देना चाहिए, क्योंकि दौर उनका है तो फिर जीना भी उन्होंने है। हमें अगर वो एहतराम और तहजीब दें तो ये रवायती तौर पर हमारा हक है कि हमें मिलना चाहिए, सही, वरना एग्जैक्टली, जो सीनियर्स हैं उन सीनियर्स को भी चाहिए कि वो खुली बाहों से उनका इस्तकबाल करें और उनके मैं यही अंदाज कहना पर चाह रही भी थी कि वो नहीं करते, वो वो नुक्ता नहीं कर एतराज रहे। ना उठाया जाए। वो उनका अपना अंदाज है और उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुशायरे अदब और उसकी तहजीब सीखने में उनको थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। यानी कि पुराने लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा, आज की तहजीब हाँ को जो है जी वो। तो जरूर ठीक है, मैं इसका मतलब ये कि आज के जो हालात हैं वो आज के शायर जो है वो गालिब आ रहे हैं। तो एक और बात है यहाँ पर, जो फिर शेर और शायर में क्या फर्क हो जाएगा? शेर, आई मीन ये कि क्या हम कहेंगे कि शेर और शायर में क्या फर्क रखेंगे हम इसमें फिर? शेर और शायर को देखें, अब तो मेरे ख्याल में आप में नहा नहीं किया जा सकता। जैसे आप शेर को अगर किसी लेवल पर किसी हवाले से डिस्कस कर रहे हैं तो शायर उसके साथ ही, अब उसके साथ ही जुड़ा होता है, उसकी शख्सियत भी उसके साथ जुड़ी होती है, तो उसको किसी सूरत में भी शेर को शायर से मेरा कहने मिनहा का करके नहीं मकसद, देखा जा सकता। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मैं मेरा कहने का मकसद ये था कि शेर जो शायर होता है वो एक विजन रखता है ना, एक उसका जी विजन होता है, एक जैसे एक मजामती शायरी कर रहा है, कोई रोमांटिक कर रहा है, कुछ कर रहा है, एक मतलब उसमें मेरे हिसाब से शायर वो होता है, शायर वो होता है जो जिसकी नजर आज के ऊपर भी होती है, लेकिन आज से 100 साल बाद क्या होगा उसके ऊपर ज्यादा नजर होती है। अगर हम आज की शायरी देखते हैं, चंदे को निकालकर मैं अमूमी तौर पे बात कर रही हूँ, तो उसमें हमको वो शायर का विजन नजर नहीं आ रहा। तो वो आज का शायर वो इतनी दूर क्यों नहीं देख पा रहा, मुझे ये समझ में नहीं आती बात। वो सिर्फ जैसे अभी तुमने बात की ना कि टिकटॉक के लिए लिख रहा है, फेसबुक का है, तो उसको सिर्फ आज चाहिए, आज उसको सब्सक्राइबर भी चाहिए, आज उसको लाइक्स चाहिए, आज उसको हिट्स चाहिए, और वो आगे आगे क्या होगा 100 साल के बाद उसकी शायरी का, नो आइडिया। तो ये सब कैसे, और ये कैसे कैसे ठीक होगा ये, मतलब कैसे रिटर्न खत्म हो सकता है? इसके लिए बुनियादी लवाजमात तो मुताला और मुशाहिदा हैं, और आज का नौजवान इन दोनों चीज़ों से नाबलद है। तो मुताले से दूर भागता है और ये देखने को ज्यादा अहमियत देता है और पढ़ने को कम। तो ये देखने और पढ़ने का जो फर्क है वही हमें अब इसी इनकी लिखत में भी नजर आ रहा है कि जो कैनवस को वसी करता है आपके मुताला जो है, आप मुताला करते जाते हैं तो आपकी जहन रसा में मालूम नहीं क्या क्या तब्दीलियां वाकई होती हैं और आप कहाँ तक सोचते हैं। तो आज का जो नौजवान है वो लम्हे मौजूद में जिंदा रहना चाहता है और इसी को सब कुछ जानता है। इसके दूर रस नतायज के हवाले से उसकी उसको इतनी फिक्र नजर उसकी फिक्र नहीं है उसको कि कल क्या होगा। वो आज ही जीना चाहता है, आज ही वो सारी चीजें भुगता लेना चाहता है कि जो लम्हा मौजूद है यही जिंदगी है। दूसरे इंसानों जैसे के हवाले से जो रब्त है कि जब इंसान दूसरे लोगों से जुड़ता है, इंसानों के हवाले से सोचता है, तो फिर आने वाले लोगों के बारे में भी सोचता है, उनके बारे में भी इंसान सोचता है कि आज हम उनके लिए जहाँ पौधा लगाएं तो कल वो कोई इसके नीचे आकर इसके साया के नीचे बैठेगा। तो ये सोच बहुत वक्त लेती है, आज का नौजवान अभी इससे दूर है, आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, वो भी इस तरफ आएंगे और जरूर इस तरफ बात आना भी बढ़ेगी आगे। चाहिए, इसलिए कि देखो जैसे फेसबुक पे नहीं, कट पेस्ट शायर है, उन्होंने उन्होंने एक मिसरा कहीं से लिया, एक कहीं से लिया, एक कहीं से कुछ किया। हाँ, तो ये सब जो है ना, ये सब खत्म होना चाहिए। और चूंकि इससे मेरे हिसाब, मैं समझती हूँ कि इसमें तख्लीक नहीं है, तो तख्लीक की तरफ शायर को, नौजवान शायर को स्पेशली जो है वो आना होगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जैसे कि तुमने कहा कि पुराने शायरों को समझना होगा और नए शायरों को भी समझना होगा, तो यहाँ पर ये बताओ कि ये कदीम और जदीद शायरी जो है, ये इसका तनाजा क्यों है? आई मीन कदीम कदीम शायरी क्या है, जदीद शायरी क्या है? मुझे तो ये लगता है कि जब कदीम शायरी अपने जमाने में जो भी शायरी होगी वो जदीद होती है, मेरे हिसाब से। तुम्हारा क्या ख्याल है इस पे? तुम्हारा क्या नजर है? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे तख्लीकार होते हैं जो लम्हे मौजूद में जिंदा नहीं रह रहे होते, वो किसी नॉस्टैल्जिया के जेर असर
माजी में जिंदा रह रहे होते हैं, या वो उनको अपनी जाती पसंद के हिसाब से, अगर कोई शायर अभी भी गालिब के रंग में शेर कहने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे पुरानी शायरी ही कहेंगे कि वो पुरानी शायरी कर रहा है। जदीद दौर के तकाजे उसकी लफ्जियात भी होती है, उसकी लसानियात भी है कि जदीद दौर में आप जिस लम्हे मौजूद में आप जी रहे हैं उस अहद में जुबान बोली क्या जा रही है, समझी क्या जा रही है। अगर आप अदक मजामीन और आप तरकीब और ऐसी मुश्किल लेकर आएंगे जो आज का तालिब इल्म उनसे आशना ही नहीं है, तो वो उसे लामहाला उसे पुरानी शायरी करार देगा। और जो उसे आसानी से सहले मुमतना में शायरी मिल रही है और उसे आसानी से समझ में आ रही है, वो उसे जदीद शायरी भी करार देगा। इल्मी सतह पर जदीद शायरी और पुरानी शायरी किसी और सतह पर वो असातिज़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आम कारी है उसके लिए अदक मजामीन वाली जो शायरी है वो पुरानी शायरी है, और जो सहले मुमतना में शायरी हो रही है वो जदीद शायरी है। सही। तो ये जो शायरी जो हम कह रहे हैं कि आजकल हो रही है, तो तुम क्या इत्तफाक करोगे कि ये आजकल रीमिक्सिंग टाइप की शायरी है, कि जब किसी किसी ने लिखा कि कोई करता था, किसी किसी काफे में आ गया तो वो कहेगा करती थी। तो ये इस तरह की रीमिक्सिंग शायरी जो है, जब से मैंने मैंने नोट किया है कि जब से फेसबुक और जब से ये सोशल मीडिया बहुत हाईलाइट हुआ है, जब से हर एक की अप्रोच में आ गई है, हर हर कोई बंदा जो है वो शेर कहने लग गया। तो इसके बावजूद मुझे ये लगता है कि अगर आप शेर को एक तरफ रखते हैं, एक तरफ नसर को रखते हैं, शेर में फिर भी आपको वजन का लिहाज करना पड़ता है, कोई शेरियत ढूंढनी पड़ती है, लेकिन नसर में आप 75-100 लाइनें भी लिख देंगे तो आप अपना मकसद जब चाहे बयान करें, है ना। लेकिन इसके बावजूद नसर जो है वो कम लिखी जा रही है, इसकी क्या वजह है? तुम भी बहुत कम लिखते हो, तुम्हारे अफसानों के बाद से गजलें बहुत आई हैं, अफसाने नहीं आए, इसकी क्या वजह है? क्यों क्यों हम लोग, हम एज ए राइटर हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि वो वक्त लगाए। असल में यू समझिए कि वन लाइनर का दौर आ गया है ना, कि आज आप ट्वीट कर रहे हैं और एक लाइन में आप बहुत सारी चीजों को समो रहे हैं, आप अपना स्टेटस अपडेट कर रहे हैं फेसबुक में और उसी दो तीन लाइनों में आपने दरिया को कूजे में बंद कर देना है। तो ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ना कि आप मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में आप बड़ी बात करना चाहें, और एक जो इज्तमाही दानिश है जो पूरी किसी को पता नहीं होता था कि कोई कहाँ बैठकर क्या सोच रहा है या क्या लिख रहा है या किसकी बात है, अब चूंकि आप सोशल मीडिया का दौर है तो एक बात किसी भी बात पर तबसरा करने के लिए या किसी हवाले से बात करने के लिए इज्तमाही दानिश उस पर बात करती है। तो इज्तमाही दानिश में से ऐसे ऐसे जुमले निकल कर आते हैं, पूरी दुनिया में सामने आते हैं, मजाफात से, शहरों से, गांव से, ऐसे ऐसे इज्तमाही दानिश में से जुमले निकल कर आते हैं जिन्हें हम रोज पढ़कर एक एक जुमले में हम मुस्कुराते रहते हैं और हैरान होते रहते हैं कि ये सब कुछ क्या है। तो वो जो है ना कि आप मुख्तसर लफ्जों में बहुत कुछ कहने का जो ट्रेंड है आज के दौर की जो जरूरत भी है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए आप आज देखें आप किताब के हवाले से बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि किताब खरीदी नहीं जा रही, कारी मौजूद नहीं है, तो आप आजकल आप पीडीएफ का दौर है लेकिन पीडीएफ में भी किताब उस लेवल पे पढ़ी नहीं जा रही कि आज उसका फीडबैक मिले शायर को भी, या बस जो है वो आप विजुअल में आ गए हैं, आप जो कुछ आप जहाँ बयान कर सकते हैं, जो दिखा सकते हैं उसी तक आप महदूद होते जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी काम होना चाहिए लेकिन कि लेकिन किताब की लेकिन लेकिन खाली बात सुनो, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम लिखने वाले भी अगर यही सोचने लग जाएं, तो मुझे ये बताओ कि आज से तीसरी नस्ल के लोग क्या पढ़ेंगे, उनको कैसे पता लगेगा ये कि मैं अलमिया क्या है, सोच रही थी, ये या अलमिया है, ये अलमिया अलमिया है, ये हमें सोचना है, ये हमें सोचना है, इस पर हमें काम करना चाहिए और हमें हमें बहरहाल लिखना चाहिए, हमें इससे इससे इसे बिल्कुल बददिल मेरे नहीं हिसाब होना चाहिए से कि किताब नहीं पढ़ी जा रही। कि नहीं पढ़ी जा रही, या ये कि लोग अफसाना सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हमें कत्ते नजर इस चीज के, हमें अफसाना लिखना चाहिए। और तुमने भी जो नॉवेल की बेशक बात की कि नॉवेल भी लिख मैं रहे हो, मुत्तफिक हूं आपसे कि बिल्कुल लिखना चाहिए। इसलिए कि देखो हमारे एज अ राइटर मुझे लगता है कि ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाले लोगों के लिए काम छोड़ के जाएं, बताकर जाएं कि हम बेशक लोगों ने वक्त जाया है ना। और शायरी, नो डाउट बेशक कि शायरी अनदर वे ऑफ एक्सप्रेशन,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लिखना जो पढ़ना जो है ज्यादा अच्छा लगता है, किताबें ज्यादा। लेकिन ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम नॉवेल लिख रहे हो और अफसाने भी लिख रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि ये शायरी, अफसाने, फिर नॉवेल, क्या एक दूसरे की हेल्प करते हैं के मैं कहने में, समझता इजहार में? हूँ ये मैं समझता हूँ ये तख्लीककार के लिए बड़ा मुआविन साबित होती हैं ये चीज़ें, कि आप एक तरफ से थोड़ा सा रिलैक्स होना चाह रहे हैं तो आप कहानी की तरफ आ जाते हैं, आप अफसाने की तरफ आ जाते हैं, आप उधर अपनी मर्जी से अपने किरदारों के साथ खेलते हैं। तो मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है ज़ाती तौर पर कि शायरी में आप जब मजामीन से या शेर कहने से थोड़ा सा मसला आ रहा है या वक्त लग रहा है या जहनी तौर पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आप प्रॉब्लम चल शेर रहे हैं, नहीं कह हाँ, पा नहीं रहे, लिख पा रहे। तो उन्हीं सही उन्हीं सही, प्रॉब्लम पर आप नसर में कलम उठा लें और आप उनको कहानी की सूरत में बयान करना शुरू कर दें और इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखते हुए अगर आप कुछ अच्छा लिख लेते हैं तो ये मेरे ख्याल में ये मुआवन है, बहुत मुआवनत होती है दोनों तरफ। दैट्स शेर सो गुड। नसर को मुआवनत होती है और नसर जो है वो शेर को भी बड़ा मुआवन साबित होती है। सही। अब इस मौके पे देखो, अगर हमने कोई गजल के चंद अशआर ना सुने तो फिर ज्यादती हो जाएगी। इससे पहले कि मैं अपने दोस्तों के सवाल शुरू करूं, कुछ सुनाओ, कुछ कुछ अता हूं। मैं ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगाज तो नात से करूंगा, जरूर तो नात के कुछ अशआर सबसे पहले मैं जरूर अर्ज करता हूँ कि तू मोहम्मद को सिर्फ दीन समझा, तू मोहम्मद को सिर्फ दीन समझा, इसका हाँ, मतलब है तू नहीं समझा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अपने जैसा समझ रहा है उन्हें, वाह, अपने जैसा समझ रहा है उन्हें, आसमां को भी तू जमीन समझा, वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, काबा कौसैन की कसम मुझको, काबा वाह, काबा कौसैन कौसैन, की कसम मुझको, इससे बढ़कर उन्हें करी समझा। हाँ, क्या बात है, सुन अकीदे की जामईयत सुन, सुन अकीदे की जामईयत सुन, आखरी को ही अव्वली समझा, वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पढ़ लिया है दरूद चुपके से, वाह, पढ़ लिया सुभान, है दरूद चुपके से, दिल को जब भी जरा हजी समझा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, हजीन और समझा, आपका शेर वाह देखिए कि बा के नुक्ते से बैर रखता है, वाह, बा के नुक्ते से बैर रखता है, खाक नुक्ते को नुक्ताचीन समझा। नुकते चीन समझा, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत तू उम्दा, बहुत मोहम्मद को सुभान, सिर्फ दीन समझा, इसका हाँ, मतलब है तू नहीं समझा। तो नहीं समझा, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कुछ गजल के अशआर आता हूं तो फिर हम आगे चलें। गजल के कुछ अशआर हैं आपा के, ऐसे वैसे सभी लोगों से परे बैठा करो, हाँ, वाह, मेरी मानो तो फरिश्तों से परे बैठा करो, हाँ, क्या कहने ऐसे क्या वैसे सभी लोगों से परे बैठा करो, बैठा करो, मेरी मानो तो फरिश्तों से परे बैठा करो, आंख वालों की नसीहत पे भी अब कान धरो, वाह, क्या आंख बात वालों है, की नसीहत पे भी अब कान धरो, तुम खुदा वास्ते अंधों से परे बैठा करो। बहुत अच्छी नसीहत। जिसको तहकीक से मतलब है वो आए बैठे, वाह, जिसको तहकीक से मतलब है वो आए बैठे, कौन कहता है चरागों से परे बैठा करो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप शेर देखिएगा कि जिनकी छाओ भी तमाजत से भरी रहती है, जिनकी छाओ भी तमाजत से भरी रहती है, ऐसे बेफैज दरख्तों से परे बैठा करो। ऐसे बेफैज दरख्तों से परे बैठा करो, वही, वाह, बहुत अच्छा है, खुद से दूरी में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं, खुद से दूरी में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं, अपने अंदर के सराबों से परे बैठा करो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अपने अंदर के ऐसे शराबों वैसे से सभी परे, लोगों से परे बैठा करो,
मेरी मानो तो फरिश्तों से परे बैठा करो। बेटा को बहुत अच्छे खालिद, बहुत अच्छे हैं। चले अब हम अपने जो है अपने दोस्तों के सवाल पूछते हैं जो कि बहुत है। हम कोशिश करेंगे कि सबको शामिल करें। आप सबसे पहला सवाल जिशाद नसीम ने लाहौर से पूछा है। वो कहती है कि अच्छा शेर लिखने के लिए क्या चीज बहुत अहम है और ताजा शेर से क्या मतलब होता है? सोच की ताजगी है या अभी अभी कहा है? देखिए, मेरे ख्याल में ताजगी सोच की ताजगी ही है, ऐसा नहीं ताजा है कि शेर अभी अभी कहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेसबुक पे अक्सर शोरा ये कहते हैं कि अभी अभी ताजा ताजा जो हाँ है ना वो शेर एक है उनको, वो यही बताना चाह रहे अभी होते हैं कि मैंने अभी कहा कहा है। हमें है। लगता है सोच सोच ताजा होनी चाहिए, ये ताजा शेर हाँ, है। तो सोच ताजा होनी चाहिए, अच्छा बेशक आप सोच ताजा शेर, लाएं। हाँ तो अच्छा अच्छा शेर हम किसको कहेंगे, क्या चीज होगी उसके अंदर? अच्छा शेर, अच्छा शेर के लवाजमात, अभी आपने जब शुरू में बात शुरू की थी तो उसी पर बात हुई थी कि सबसे बड़ी बात तो शेरियत है, कि आपका शेर शेरियत से ममलू हो, और इसके अलावा आज की बात हो और आने वाले दौर को आप उसमें, जैसे मैं कहूंगा कि तह दर तह बात होती है शायर की, कि आप ख्याल उसमें अच्छा, इसका साम मतलब सा बहुत अच्छा ख्याल खूबसार ख्याल शगुफ्तगी, ख्याल हाँ शेरियत हो उसमें मौजूद, यही शेरी बिल्कुल, लवाजमात है। ये लिबास बात है। मुझे यकीन है कि जो नए जो बच्चे शेर कह रहे हैं उनको सुनने को बहुत अच्छा लग रहा होगा और उनको सीखने का मौका मिल रहा होगा। प्रोफेसर रजिया सुभान पूछती हैं कराची से कि आपके नजदीक अच्छा शेर कहने के लिए मुताला जरूरी है या मुशायदा? मैं समझता हूँ कि जो आपका मुशाहिदा है वो बुनियाद है, और जो है मुताला वो उस पर तामीर है। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, कि आप मुशाहिदे की बुनियाद पर उस बुनियाद रखेंगे अपनी तख्लीक की, और आप अपने मुताले के बल पर उस पर तामीर खड़ी करेंगे, अपना महल तामीर करेंगे उस पर। तो इसके लिए ये लाजिम व मलजूम है कि दोनों मुशाहिदा और चीजें मुताला दोनों जरूरी हैं तख्लीक कार के लिए। दैट्स गुड। राजा साहब अबू ज़हबी अमारा से पूछते हैं कि आपने ज्यादातर गजलें कही हैं, आपने बतौर मीडियम ये इस्तेमाल किया, तो कभी नज्म या मरसिया की तरफ नहीं आए, तो आपका कोई इरादा है कि आप इस पर भी काम करेंगे? नहीं, मैं जरूर बताऊंगा इनको कि मैं नज्म तो खैर मैंने, मेरी तीन नहीं किताबों है में दोनों जो तीनों किताबें हैं वो नज्म इसमें और है गजल दोनों की किताबें हैं, और मौजूदा किताब में भी इंशाल्लाह नज्में शामिल होंगी। नज्म मैं कहता रहता हूँ, और मेरे ख्याल में मैं गजल के साथ साथ नज्म का भी शायर हूँ। तो जहाँ जब बिल्कुल, तक जहाँ तक उन्होंने बात की है मरसिया की, तो वो मैं समझता हूँ कि वो कोई फनी चीज है नहीं कि फन के एतबार से बंदा लिख ले, वो अता है, मरसिया बेशक अता वो है। और अता अगर मुझ पर अगर ये बिल्कुल अता मुझ पर अगर ये अता हो तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँगा अल्लाह का भी और उसके प्यारे बंदों का भी जो ये अता करते हैं। तो मरसिया आप भी दुआ कीजिए कि मुझ पर कभी अता हो ऐसा कि मैं मरसिया कह पाऊँ, ये तो सआदत की बेशक, बात है। ये सच, ये सादत की बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये बेशक ये बेशक अता है, ये और हर एक पे नहीं है, ये बेशक अता है। बेशक और उन्होंने एक और, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं सारे सवाल शामिल करूंगी इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि और भी लोगों हौसला हो सवाल पूछने के लिए। वो कहते हैं कि उर्दू की तारीख में बड़े बड़े शोरा और असातिज़ा का कलाम है, आप अपनी पसंदीदा असातिज़ा का नाम बताइए, पसंदीदा शायर का नाम बता दो। पसंदीदा शायर तो उर्दू अदब में बहुत सारे, मैंने बहुत सारे नाम गिनवाना चाहूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर एक नाम अगर मैं लूँ तो फिर वो जनाबे मोहसिन नकवी। वो बचपन से ही ना वाह मुझे, मैं उनसे सुपर, बहुत ज्यादा इंस्पायर था, और मैं मोहसिन नकवी को बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा भी और उनको याद भी रखा, और आज तक मुझे मोहसिन बहुत याद है, मैं उनसे बड़ी वाह मोहब्बत करता रहा हूँ। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी लेकिन मुझे मुझे उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। लेकिन इसके वाह, हवाले से असातिज़ा तो एक लंबी कतार है असातिज़ा की, जिन्होंने बिल्कुल शेर के हवाले लंबी से किताब, बड़े बड़े बुर्ज तामीर किए। बिल्कुल
कोई शक नहीं इसमें। शानी एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी पूछी है, वो कहते हैं कि फिल्में जो शायरी होती है उसको कोई मकाम हासिल नहीं है, तो क्या आप किसी, अगर आपको ऑफर हुई फिल्मी फिल्म में कोई गीत लिखने की, तो क्या आप ऑफर कबूल करेंगे? हाँ, पहला हिस्सा इस सवाल का यह है कि फिल्मी की अहमियत आजकल के दौर में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी अब थोड़ा सा पीछे देखें तो साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी जैसे लोग फिल्मी कतील शायरी शिफाई, किया करते थे, कतील शिफाई, और हमारे अहमद राही साहब, और बहुत सारे रियाज उर्रहमान सागर बहुत साहब, बहुत आला लेवल की शायरी हुई और बहुत खूबसूरत फिल्मी सारे। शायरी हुई, और उसकी कद्र भी थी और इज्जत भी थी, और उन लोगों ने मकाम भी बनाया और बड़ी इज्जत पाई मुआशरे में। हाँ, फी जमाना जिस नहज पर फिल्मी शायरी पहुंच चुकी है, अगर ऐसी कोई मुझसे लिखवाना चाहेगा तो मैं नहीं लिख सकता, मुझसे तो नहीं ऐसा लिखा जाएगा। हाँ, अगर कोई कहेगा कि जैसे साहिर ने नगमे लिखे, जैसे शकील बदायूनी ने नगमे लिखे, या जैसे कतील शिफाई ने नगमे लिखे, अगर वैसा कोई लिखवाना चाहेगा आज के दौर में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनके बराबर में लिख सकता हूँ, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि वैसा कोई अदबी नगमा लिख दिया जाए। जब मैं लिखूं सही। तो मैं जरूर लिखूंगा। मुझे इसमें बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों को, अच्छे लिखारियों को इस तरफ जरूर आना चाहिए, ताकि ये जो हाव हू मौसीकी में मची हुई है, इसका कि इसका तदारुक हो और अच्छी चीजें सुनने को दस्तयाब हो। वाह। उन्होंने एक और सवाल पूछा है कि आप अपनी शायरी में आमद के कायल हैं या कोई किसी ख्याल से मुतासिर होकर, या ये जो कुछ हो रहा हो वो उससे मुतासिर होकर लिखते हैं? मैं बुनियादी तौर पर यही समझता हूँ कि तख्लीककार आमद और आवुर्द दोनों का मजबूआ होता है। पहली बात आमद की है कि आपको शायर बनाकर भेजा जाता है, आप शायर किसी एकेडमी में जाकर बन नहीं सकते कि आप वहां जाएं, अच्छी दाखला लें और आप बात। शायर बन जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये मामला आमद का हुआ कि अगर आप शायर हैं तो आप शेर कहेंगे, वगरना नहीं। और दूसरी बात यह है कि आवुर्द का जो जहां तक मामला है, वो बिल्कुल बजा है कि आप इर्द गिर्द, आपका जो माहौल है, आपके जो हालात हैं, जो आपका ऐद है, आपने बकौल वजीर आगा साहब, मैं उनसे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ कि गजल जो है वो अपना खाम माल अपने इर्द गिर्द से उठाती है। तो जाहिर है ये आवुर्द ही ठहरता है कि जब आप इर्द गिर्द से, हालात से और ऐद से मुतासिर होकर कुछ कह रहे हैं, तो वो आवुर्द ही है। तो आवुर्द और इल्हाम, क्या कहें, इल्हाम नहीं, वो जो है आमद, वो मैं समझता हूँ कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आमद भी शायर को ही होती है और आवुर्द भी शायरी को होती है, होता शायरी है, तो को इसमें खबर कोई मसाला नहीं है, के लिए होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और उन्होंने बेशक। जी एक और सवाल, मेरे ख्याल हम इससे बात कर चुके हैं कि शायरी में तरक्की पसंद तहरीक को किस अंदाज से दिखते हैं। उन्होंने ये सवाल किया है कि आप उर्दू शायरी में तरक्की पसंद तहरीक को किस अंदाज में देखते हैं? अब तरक्की पसंद तहरीक से क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि शानी से हमारा रापता मेरा ख्याल है कि दोस्तों, मेरा ख्याल है कि शानी से रापता थोड़ा सा मुनकते हुआ है, और जैसे ही वो आते हैं वापस तो फिर हम उनसे आपसे ज़रूर इस मौजू पर बात होती है। दोस्तों बात हो रही थी अफसानों की, शायरी की, नॉवेल की, और इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि शायरी में आमद और जो है वो ज़रूरी है या इर्द गिर्द के हालात। देखिए बात ये होती है कि दोनों में दोनों मेरा ख्याल है कि मैं शानी को दोबारा से लिंक भेजूँ ताकि वो आ सके। पाकिस्तान में ये बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ इस बात के लिए। तो मैं उनको एक दफ़ा फिर मैं उनको इनवाइट कर लूँ ताकि वो आ सके। जी दोस्तों बात हो रही थी, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि देखिए मेरे ख्याल में शानी आ गया। जी शानी क्या हो गया था? वही जो इंटरनेट के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, तो हम पहले बात कर रहे थे। हाँ हाँ मैं आपके दोस्तों को बता रही थी कि
शायर जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो जा रहा है कहीं पर, तो रास्ते में अगर कोई चिड़िया का बच्चा उसको मिला है, जख्मी है या कुछ उसको है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो रुक कर तकलीफ का एहसास करेगा और उसको कहीं किसी जगह पे ले जाएगा, और घर आकर उस पर एक जरूर कोई नज्म लिखेगा, अफसाना लिख देगा या कोई गजल कह देगा। तो एक आम इंसान जो है, जो शायर नहीं है, वो जरूर उसको हॉस्पिटल ले जाएगा या उसकी मदद भी करेगा, लेकिन वो शायद कोई गजल या कोई नज्म नहीं कह पाएगा। तो ये फर्क होता है जो हम बात कर रहे थे कि आमद और अवर्त का, कि किस तरह से शायर मुतासिर होता है। अच्छा, बात हो रही थी रानी, एक और बड़ा उन्होंने सवाल बड़ा खतरनाक सा किया है, और जो मैं भी पूछना चाहती थी इसलिए मैंने नहीं पूछा अपने सवाल में, चूंकि ये राजा साहब ने पूछ लिया था। वो कहते हैं कि मुशायरे जो हैं आजकल के मुशायरों में आजकल ताल्लुकात काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि कहाँ तक सही है? वो भी यही पूछ रहे हैं कि अपने मनपसंद शोरों को बुलाने का रिवाज है, और जो जर्मन लिखने वाले हैं उनको वो आगे नहीं आते हैं, तो ये क्या हो रहा है, इस पे क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है, क्या कहानी है ये बताओ, क्योंकि तुम मुशायरे बहुत अटेंड करते हो, मुझे कोई बुलाता नहीं है, मुझे कोई भी नहीं देखिए, बुलाता, मैं तो मुझे यकीन करें, बिल्कुल कोई यकीन समझता करें, ही नहीं मैं जहां तक ताल्लुकात की बात है ना, हाँ तो मैंने आज तक कोई मुशायरा, जे राजा साहब का जिनका आपने सवाल पुट किया है, तो मैं आपको मजे की बात बताऊं कि नहीं, राजा साहब ने मुझे पिछले दिनों इनबॉक्स किया और उन्होंने मुझसे कहा कि इधर हमारे यहाँ दोहा कतर में मुशायरा होते हैं, तो ना आप मुझे अच्छा अपना थोड़ा सा तारुफ लिख भेजें, ताकि मैं ना हाँ अपने दोस्तों से कहता हूं कि वो आपको यहाँ बुलाएं। अच्छा तो मैंने इनसे कहा कि राजा साहब, यही खुददारी ही तो बची है कि मैं आपको अपना तारुफ दूं और आप वहां मेरी सिफारिश करें और मैं मुशायरे पे आऊं। मैंने कहा मैं कतन ऐसा मुशायरा नहीं पढ़ता, मैंने कभी मैं नहीं आना चाहूंगा, और मुझे मुशायरा पढ़ते हुए बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि मैं किसी के सिफारिश पे मुशायरा पढ़ने आया हूँ। मैंने कहा मैंने ऐसा कोई मुशायरा नहीं पढ़ना। तो अच्छा इन्होंने कहा नहीं, आपका शेर पहुंचा है जहां पर, तो इसी हवाले से हम आपको दावत देना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप चूंकि इंतजामिया नहीं है, आपने किसी को कहना है, तो आप मेरी माजरत कबूल करें, आप जाती हैसियत से अगर मुझे बुलाएं तो आप मुझे काला पानी भी बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा, तो आपका जरूर शुक्रिया। शानी तो मैं ये इस शानी हवाले से ये हाँ कहना चाहूंगा कि मुशायरा जाति, जो आप कह रही है ना कि मनपसंद लोगों को बुलाया जाता है, तो मैं ये आमतौर पे समझता हूँ कि हाँ, ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल है। और मैं समझता हूं कि ये इंतजामिया को हक देना चाहिए कि वो इतना हाँ, एक दफा फिर रब्ता जो है करते हुआ शानी प्लीज अब हाँ, मैं वो कह रहा था कि कंटिन्यू एक तो उनका हक बनता है कि अपनी पसंद के लोगों को बुलाएं क्योंकि वो इतना बड़ा इंतजाम कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि जेन्युइन तख्लीकार के साथ ज्यादती हो रही है, तो ये कभी होती थी मुशायरा जाति सियासत में ना, ये ज्यादती होती थी कि आप उसको इग्नोर किया जाता था, सियासत का शिकार कर दिया जाता था ऐसे तख्लीकारों को जो जेन्युइन तख्लीकार है, उसके साथ ज्यादती होती थी। मगर फी जमाना ऐसा नहीं है, आपके पास सोशल मीडिया का इतना बड़ा एक्सपोजर है कि आप अगर कुछ अच्छा कह रहे हैं तो फिर आपके शेर को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आपका रास्ता सही कोई है। नहीं रोक तो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि शायर होने के लिए मुशायरे का शायर होना जरूरी नहीं है, इसमें नहीं, फिर कोई मुशायरे का जरूरी नहीं, कोई 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 जरूरी जरूरी नहीं, नहीं है। फिर मुशायरे का कोई देख, कहते जरूरी थे ना नहीं, कि मुशायरा जो है एक तहजीब है, तहजीब सिखाता बेशक। है, मतलब ये कि उठना बैठना नशिस्त बरखास्त की बात होती थी, तो इसका मतलब है कि फिर मुशायरे की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुशायरा, शायर को मुशायरे की जरूरत नहीं है, शायर को कतई जरूरत नहीं है कि वो मुशायरा पढ़े तो वो शायर कहलाएगा अगर वो अच्छा शायर है। अच्छा, मुशायरे को तो शायर में अच्छे भी शायर ये की जरूरत हमेशा से रहेगी। कहता कि उस हाँ मुशायरे को, कितनी अच्छी बात की तुमने कि मुशायरे हाँ, को अच्छे शायर की जरूरत होगी, लेकिन अच्छे शायर को मुशायरे की जरूरत नहीं है। दैट कतन कोई सो जरूरत ब्रिलियंट, नहीं है। ब्यूटिफुल। मैं कहती हूँ कि ये हासिले ये इंटरव्यू लाइन है, ये बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। अच्छा, एक और शाह मोहम्मद शान लाहौर से पूछते हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन शायर और अदीब हैं, अल्लाह पाक आपके कलम जोरे कलम में और इजाफा फरमाए। सवाल ये है कि एक अच्छी सी शायरी के लिए कोई मुफीद से मशवरे दे दीजिए, मुझे लगता है शाम का इरादा हो रहा है कुछ शायरी करेगा तो उसने देखिए, ये सवाल शायरी पूछा
शायरी अपने मिजाज के मुताबिक ही बंदा करता है। आप भी तख्लीकार हैं और मैं भी बतौर शायर, तो हम मुख्तलिफ क्यों होते हैं? एक शायर दूसरे शायर से मुख्तलिफ क्यों होता है? असलूब क्यों जुदा होता है? कहने का अंदाज या जाविया निगाह क्यों मुख्तलिफ होता है? कि हम एक जैसा नहीं सोच सकते, हम एक तरह से नहीं देख सकते किसी भी चीज को। हमारे महसूसात अलग हैं, हमारे एहसास अलग हैं। तो इसके लिए मशवरा मुमकिन नहीं है कि मैं आपको कहूं कि फलां तरीके से आप अच्छा शेर कह सकते हैं। आप अपने महसूसात को जितने बेहतर अंदाज में पेश करेंगे, वो यकीनन बहुत अच्छा होगा। आप अपना जाविया निगाह जितना बेहतर करते जाएंगे, जितना अलग करते जाएंगे लोगों से मुनफरिद करते जाएंगे, आप बहुत खूबसूरत कहेंगे। एक दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात की है तुमने। एक तो ये कि अपने आप को पहचाने कि आप क्या बात कहना चाहते हैं, और फिर ये बेशक देखिए कि असातिज़ा ने कैसे कही है, मुताला कीजिए, मुशाहदा कीजिए, और फिर उसके बाद अगर कहीं मशवरे की जरूरत हो तो अपने बड़ों से मशवरा भी कीजिए, तो यकीनन आप एक बहुत अच्छा शेर तख्लीक कर सकते हैं। शाह मोहम्मद शान, हमें आपकी शायरी का इंतजार रहेगा। अच्छा, खालिद कयूम तनूली वाकन से पूछते हैं कि उर्दू शायरी में फिक्री उसर, यानी कि बहुत गरीबी आ गई है, कि असासी असबाब क्या है, यानी कि बुनियादी सबब क्या है कि फिक्र में वो, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि फिक्र में बुलंदी नहीं रही, शेरियत जहां नहीं है, तगज्जुल जहां पे नहीं है, तो वहां पे फिक्र की बुलंदी शेर में नहीं है। आजकल बहुत कम शेर हो रहा है ऐसा जिसमें फिक्र की बुलंदी होगी, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है इसके। मैं असल में इसकी दूसरी साइड पे खड़ा हूँ। मैंने पहले भी इस चीज़ की मुखालफत की है। मैं अभी भी कहता हूँ कि शेर बड़ा तवाना हो रहा है और फिक्री उसरत किसी ऐद में भी, मैं किसी ऐद में भी नहीं मानता कि किसी दौर में फिक्री उसरत का दौर होता है, क्योंकि तवाना जज्बों और तवाना शेर वाले और तवाना फिक्र वाले लोग हर दौर में मौजूद होते हैं और अपनी सत्ता पर वो उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो जिस हवाले से, जिस जाविये से, चूंकि खालिद कयूम तनोली मेरे दरीना दोस्त हैं, तो जिस हवाले से उन्होंने सवाल किया है, जिस उस हवाले से अगर जवाब दिया जाए तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इदारा जाती हवाले से जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हम वो कहें मशहूर जमाना मिसरा के हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, तो उस तनाजर में अगर फिक्री उसरत को देखा जाए तो वो खालिद कयूम तनोली बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और दूसरी सूरत में अगर आप देखें तो मैं इससे बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। फिक्री उसरत कहीं भी मौजूद नहीं है, बड़ा तवाना शेर हो रहा है। उसातज़ा के यहाँ भी, सीनियर्स के यहाँ भी, और नौजवानों के हवाले से भी मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। वो बड़ा तवाना शेर कह रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जरूर ये सारा कुछ संभाल लेंगे। जो हमारा अदबी विरसा है, जो हमारी रिवायत है, वो इससे जरूर जुड़ेंगे और वो इसको आगे लेकर चलेंगे। जरूर। मोना अली बहावलपुर से पूछती हैं कि शायरी में अभाम से क्या मतलब है, और एक और बात उन्होंने पूछी है कि ये दाखलियत और खारजियत इंसान पे कैसे तारी होती है। आप मतलब ये कि ये क्या हाँ, इहाम, लगता है हाँ कि मैंने मैंने देखा था उनका कैफियत सवाल। के बारे में, है ना? हाँ इहाम का बुनियादी जो इहाम गोई बड़ा शेर का हिस्सा हाँ है, तो इसमें शायर करता ये है कि किसी ऐसे लफ्ज को इस्तेमाल करता है जिसके मानी एक नजदीक के होते हैं और एक दूर के होते हैं। तो वो अच्छा उसे दूर का मानी मुराद ले रहा होता है, सामने वाली चीज का जिक्र करके वो उसका मुराद जो होती है वो किसी पिछली चीज का हवाला दे रहा होता है, तो वो इसको इहाम गोई कहते हैं। तो इसके मिसाल में मैं आपको अपना एक शेर सुना सकता हूं कि जरूर। कोई हुसैनी न निकला मेरे रफीकों में, कोई हुसैनी न निकला मेरे रफीकों में, दिया बुझा के जलाया तो मैं अकेला था। तो यहाँ जो वाह, दिया है, तो ये सामने बिल्कुल का जो है और इसका एक जो दिया करबला में बुझाया गया था कबला में उसका बुझाया गया था, तذکرہ, सही। उसके तो यही तذکرے था। से है, तो वो उस चिराग का तذکرہ है। ये जो अभी जलाया और बुझाया गया है, ये सामने का मानी है, और जो जिस चिराग का जिक्र किया गया है वो करबला वाला है। सही, यानी कि और ये दाखलियत और तकाबुल की खारजियत बात के हवाले से है, जो सही। उनका सवाल है कि तारी होती है दाखलियत, ऐसा तारी होना वो कोई दाखलियत और खारजियत कोई बुखार नहीं है कि इंसान पर तारी हो जाए। ये मिजाज होता है, दाखलियत मिजाज है और खारजियत भी मिजाज ही है। हाँ, आप दाखलियत पसंद है तो वक्त आपको मुताला, आपका मुशाहिदा आपको खारिज से जरूर जोड़ देगा, और खारिज से जुड़ा हुआ शख्स दाखलियत से जुड़ा हुआ बहरहाल होता है।
तो मैं नहीं समझता बिल्कुल कि ये कोई किसी आप बैठे बैठे आप पर दाखलियत तारी हो जाए और बैठे बैठे आप पर खारजियत तारी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मन को सिर्फ ये बताना है कि जैसे हम पढ़ते हैं तो मुतासिर होते हैं, तो ये तासुरात जो अंदर दाखिल होते हैं, ये एक वो कैफियत होती है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं बाहर के हालात की वजह से। उसके बाद जब हम अपना प्रोजेक्ट करते हैं, अपना आप बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमारी हाँ दाखिल है वो बेशक, खर्चियत होते हैं। दाखली जब हम एक्सेप्ट करते हैं असर को, और जब हम उसके रिस्पॉन्स में बात करते हैं, तो वो खारजियत होती है। ये तारी नहीं होती है, ये जस्ट आपकी फीलिंग्स होती हैं। क्या आप ये कह देते हैं? अच्छा, अब हम बात करते हैं सलीम मिर्जा की, कामुकी से उन्होंने सवाल किया है, और इंतहाई, तुमको पता है कि वो कैसा सवाल कर सकता है। वो कहते हैं, क्या बचपन ही से इतना प्यारा सोचते थे, या कोई उसने ख्यालात आपके पास रखकर छोड़ गया, रखकर भूल गया? सलीम मिर्जा मेरा अच्छा बहुत प्यारा दोस्त हाँ, है, तो बहुत दूसरा बहुत प्यारा सवाल, दोस्त है। दूसरा सवाल भी है? अच्छा जी जरूर हाँ, दूसरा सवाल भी फिर सुन लो, वो बहुत साथ जुड़ा हुआ ही है। पहली जी। नाकाम मोहब्बत इंसान को शायर बना देती है, ना? और आखिरी मोहब्बत इंसान को उल्लू क्यों बनाती है? गजल में लोच और नज्म में गहराई क्यों नहीं आती, इनके आखिरी मोहब्बत के वाह बाद? वाह। सलीम मिर्जा चूंकि मजार निगार है और बातों से फुलझड़ियां बनाता है, वो बात करता ही नहीं है, फुलझड़ियां छोड़ता है, तो बड़ा प्यारा दोस्त है। अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, कामयाब रखे। तो बात उन्होंने जो पहला सवाल था उनका कि बचपन से ऐसा खूबसूरत सोचते हो, तो मैं बिल्कुल बचपन से ही बहुत प्यारा सोचता हूँ और बड़ा प्यारा बीबा बच्चा हूँ। बल्कि इसके लिए मैंने एक शेर भी कह रखा है कि कोई लग्जिश गुना तौबा कर, कोई वाह, लग्जिश गुना कोई गुनाह, तौबा कर, नेक बच्चा था मैं जवानी में। तो सलीम मिर्जा को खबर हो कि ये बचपन से ही हम बहुत प्यारा सोचते हैं और बहुत प्यारा प्यारे हैं। और सही। दूसरा जो उनका सवाल है कि पहला इश्क बंदे को शायर बना देता है, नाकाम इश्क, तो मैं ये पहले भी एक रिसेंटली भी किसी इंटरव्यू में कह चुका हूं कि ऐसा नहीं है। इश्क सारी दुनिया के लोग करते हैं और वो नाकाम होकर शायर नहीं बन सकते। शायर क्या अच्छा कहा, एक चुनिंदा फर्द होता है मुआशरे का, उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि किसी हादसे ने शायर बना दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ना ही इसमें इश्क का कोई अमल दखल है, अगर होता तो फिर इस कायनात का हर फर्द शायर होता, क्योंकि इस कायनात का हर फर्द इश्क जरूर करता है। शुरू करता और करना चाहिए। इश्क आपकी बेशक ताकत देता है आपको, इश्क बेशक आपको आपके लिए नए दरवाजे खोलता है, आपके लिए नई जन्नत जिसे कहना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होता है। दूसरी बात, मुझे ये बेशक लगता है खालिद, बेशक कि एज अ बेशक साइकाट्रिस्ट बात बताना चाह रही हूँ, कि बगैर मोहब्बत किए हुए आप किसी भी जज्बे से आश्ना नहीं हो सकते। ये आशना नहीं हो सकते। मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत आपको सिखाती है कि नाकाम कैसे होना है, वो सिखाती है कि आपने जो है जुदाई कैसे सहनी है, वो आपको सिखाती है कि आपने एक बेहतर इंसान किसी की नजर में बनते बनते आप ऊपर, यानी कि अल्लाह तक की नजर में कैसे आप अच्छे बन सकते हैं। तो बेशक बगैर मोहब्बत बेशक के आप कोई मंजिल नहीं तय कर सकते, ये सच है। और मुझे ये बात बहुत बेशक अच्छी कही तुमने, कि मोहब्बत हर शख्स करता है, लेकिन शायर हर कोई नहीं होता उसके बाद। और आखिरी मोहब्बत तो कभी होती ही नहीं है, कोई मोहब्बत आखिरी नहीं होती बेशक है, आप जो आखिरी ट्राई मोहब्बत करें वो नहीं नहीं होती, होती, बेशक। नहीं होती। हाँ जब भी आप करेंगे मोहब्बत, तो सलीम मिर्जा सुन लो, वो नहीं होती है, वो पहली होती है। अच्छा, बेशक नौशी अकिल सियालकोट से पूछती है कि वो चीज, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से पहला शेर कहा शानी भाई, कोई किताब थी, कोई इंसान था, या कोई हसीन मंजर था जब आपने पहला शेर कहा? अच्छा सवाल है ना। बेशक बहुत खूबसूरत सवाल है। और मुझे याद है कि मैंने पहला शेर अपने एक दोस्त की कैफियत को बयान करने के लिए कहा था, तो कह सकते हैं कि किसी इंसान की खातिर कहा था। किस कदर एम्पति, कितनी कितनी गहराई होगी इसमें। याद है हाँ शेर, वो तो बेशक हमें सुनाओ, वो शेर सुनाओ अगर याद है तो। टूटा फूटा जो मुझे याद आ रहा है तो मैं सुना देता हूँ कि यादें तो बहुत हैं तेरे प्यार की, मगर तेरा फूल मुझको देना है याद बढ़ाता। वाह, ये क्या बात है। अच्छा, नैम क्लास में मैंने ये शेर कहा था बचपन बहुत खूबसूरत शेर, में। बहुत बहुत
ऑल राइट ओके। नुसरत नसीम इस्लामाबाद से पूछते हैं कि क्या आप कहीं भी बैठकर शायरी कर लेते हैं या इसके लिए कोई खास माहौल या तन्हाई या कोई कोई चीज जरूरी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई खास माहौल दरकार नहीं है। कहीं भी बैठकर ऐसा होता है बाद को आप पर कुछ मिसरा वारिद होता है और उसके बाद आप एक सिलसिला सा चल निकलता है। उसके लिए आप गाड़ी में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, आप अपने बेडरूम में हैं, आप दोस्तों के बीच बैठे हुए हैं, तो ये कहीं भी ना सिलसिला शुरू हो सकता है। तखलीकियत कहीं पे भी किसी भी शुरू लम्हे आपका हाथ थाम बिल्कुल सकती है। सही। अच्छा मुस्तफा कमाल, मुझे नहीं पता कि वो उनका दादू किस जगह से है। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों से ये जरूर बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपने सवाल हमारे मेहमानों से पूछें तो प्लीज 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 शहर का नाम जरूर लिखा करें, इसलिए कि मुस्तफा कमाल तो कहीं पे भी कितने भी हजारों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन एक शहर में जब आप अपने नाम के साथ लिखते हैं तो फिर वो मखसूस हो जाता है कि आपने ही सवाल पूछा। चूंकि आपका सवाल हमारे पास एक अमानत है, उसको अमानत को अपने मेहमान तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और उसका जवाब देना उनकी। तो सवाल उन्होंने पूछा है कि किसी भी शायर की शायरी की पसंदीदगी का मैार, यानी कि आप तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो तमाम शायरों को, ठीक है, किसी शायर की शायरी की पसंदीदगी का मैार आपके नजदीक क्या है, आप क्या सोचते हो? मुस्तफ़ा कमाल बहुत अच्छे शायर हैं और लैया से इनका ताल्लुक है, मैं अच्छा दरीना दोस्त भी है, तो अच्छा लिया मेरे से ख्याल है, में हाँ लैया से है। तो अच्छा मैं समझता हूँ कि पसंदीदगी का मेयार जो है वो तय हो चुके हैं कि शेर कौन सा अच्छा होता है, तो उसी सत्ता के अशार जो आपके मेयार पर पूरा उतरते हैं शेरियत से भरपूर, तो अगर किसी शायर के हाँ मुतवातर और ज्यादा मिल रहे हैं तो जाहिर है पसंदीदगी आपकी बढ़ती जाती है। और इसी हवाले से ही कुछ शायर आपको पसंद आता है या आप किसी को रद्द करते हैं, तो यही बिल्कुल मियार है बिल्कुल। कि आप मुझे ये उसके लगता शेर का है, मियार क्या है। हाँ बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि हर इंसान का अपना एक मैार है। कुछ लोग मजामती शायरी पसंद करते हैं, कुछ लोग और तरह जाती की, कुछ पसंद लोग और बिस्यो तरह की, इसपे हाँ है ना, उसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल करेगा कि आपको कौन सी शायरी पसंद है। उस लिहाज से आप अपना वो उस तरह का जाहिर है शायर आप ढूंढ लेते हैं और फिर आप उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये मेरा बेशक पसंदीदा ऐसे ही है। शायर है ना। जैसे तुमको मोहसिन नकवी पसंद है, किसी को नासिर काजमी पसंद है, किसी नासिर को काजमी अमीर पसंद शुभाई, है बिल्कुल। जो के अपने अपने हैं। अच्छा एक और सवाल है, खालिद ख्याल, मुझे नहीं पता ये इन्होंने ये कहाँ से हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि खालिद नदीम शानी आपकी नजर में क्या है, खालिद नदीम शानी की नजर में खालिद नदीम शानी क्या है? अच्छा सवाल है, खालिद मेरा मेरा ख्याल अक्सर मैंने इसलिए नहीं पूछा था कि ये सवाल ख्याल ने पूछ लिया बहुत था। खूबसूरत सवाल है। मेरी नजर में खालिद नदीम शानी बहुत आम सा बंदा है, बहुत सादा बंदा है, और मैं समझता हूं कि अपने बारे में अगर मैं कुछ बयान करना चाहूं तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बयान किया जा सकता ऐसा नहीं है, अभी है। बहुत अच्छा है। अच्छा हर बात सुनो, मुझे ये बताओ, ये सवाल खत्म हो गए हैं, सिर्फ आखिर में एक सवाल रह गया है, वो है मियाँ वाली के शहर दादू खेल से आयतुल्ला खान ने लिखा है कि हमें वो खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, वाली गजल पूरी सुनाएंगे, वो हम आपसे जरूर सुनेंगे, लेकिन एक सवाल मुझे पूछना है, जो पीछे आवाजें आ रही हैं, मुझे यकीन, मुझे ये बताओ कि घर में तुम्हारी शायरी कोई सुनता, कोई कोई सुनता मेरी बहनें मुझसे शेर सुनती है, बहुत अच्छा वाह जौक है मेरी बहनों का और बहुत मुझसे अक्सर फरमाइश की जाती है। उनके और मेरा एक छोटा भाई है तारिक, वो बड़ी रغبत रखता है, वो भी मुझसे वाह अच्छा अक्सर वो मेरी शायरी को संभालते रहते हैं, और बहुत सारे उन्होंने जो YouTube इधर उधर से वीडियो क्लिप्स होते हैं मुशायरा के, वही इकट्ठे करके मुझे दिखाते फिरते होते भेजते हैं कि भाई हैं, हमने ये। सो हाँ स्वीट ऑफ देम, तो थैंक घर में यू मुझे सो मुझे बतौर शायर तस्लीम कर लिया गया मच, मुबारक। अच्छा और घर है। में हाँ बच्चों में देखते हो कोई रुझान है उनमें, कोई ऐसा? हाँ बच्चों में रुझान तो मैं अभी मुझे नजर नहीं आया कि वो ऐसा कहेंगे। हाँ छोटे जो सही छोटा बेटा है 4 साल का सारंग, उसके बारे में रहा है कि वो तनकीद निगार बनेगा क्योंकि अक्सर मेरी ब्याज को फाड़ देता है। अच्छा बात सुनो, तुमसे बात करते हुए हमें 1 घंटा होने को आया है, हमारे पास सिर्फ 6 मिनट हैं, प्लीज जल्दी से जी हमको
आयतुल्ला खान की पसंद की वो गजल सुना दो। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, कम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, ये सुना दो मैं ताकि जरूर फिर उसके सुनाता बाद हूँ, इजाजत लेंगे। यप मैं जरूर सुनाता हूँ। गजल आपकी फरमाइश और वो दोस्त की फरमाइश जो दाऊद खैर से कर रहे थे, तो उनकी भी फरमाइश जी कि जी खत के आयतुल्लाह छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, हाय 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 हाय, वाह खत वाह के वाह, छोटे से क्या तराशे में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, वाह लिफाफे में नहीं आएंगे, हम वाह ना मजनू है ना फरहाद के कुछ लगते हैं, वाह, हम ना मजनू है ना फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश तमाशे में नहीं आएंगे, दश्त तमाशे में नहीं आएंगे, क्या बात है, मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, वाह मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे, वाह, क्या बात है, दर्द इतने हैं कि खुलासे में नहीं आएंगे, वाह, मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, हो सकते, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हाय उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, बताओ यार, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे, आए क्या कह दिया, क्या कह दिया खालिद, बहुत अच्छा है, और जिस तरह आपने बीमार से रुख्सत ली है, हाय हाय हाय, जिस तरह जिस आपने तरह बीमार आपने से बीमार रुख्सत से ली रुख्सत है, ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे, हाय 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 हाय, जिस क्या तरह कहने, आपने बीमार से रुख्सत ली है, वाह साफ लगता वाह, है जनाजे में नहीं आएंगे, नहीं खत के आएंगे, छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, लिफाफे में नहीं आएंगे। खालिद बहुत बहुत शुक्रिया, जाते हुए हमारे नौजवान शायरों के लिए कोई कोई सलाह, कोई मशवरा, कोई बात हो तो प्लीज। बस यही कि अपने से पहले जो मौजूद हैं शोरा सीनियर्स, उनका एहतराम कीजिए, उनको उनकी डिजर्विंग इज्जत जरूर दीजिए, ताकि आपको भी मुआशरा इज्जत से नवाजे, बेशक, ये बाअदब ही बामुराद होते हैं, वाह बाअदब ही क्या कहना बानसीब है, होते हैं। आदब बानसीब होते हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, वक्त देने का, इतनी अच्छी बातें करने का, इतनी प्यारी बातें बताने का और इतनी खूबसूरत शायरी मैं ममनून हूँ आपका, शुक्रिया शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, आपने अपने हमारी प्रोग्राम में और खुशनसीब, आपकी इस इज्जत बख्शी मुझे, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपके हमारे तवसुत से हमारी जितने भी सुनने वाले हैं उन सब का भी शुक्रिया, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे सवालात भेजे उन सब का भी शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये थे खालिद नदीम शानी, हमको बहुत खुशी है कि आज वो हमारे मेहमान थे, और मैं उनकी एक गजल के चंद अशआर मैं आपको जाते जाते सुनाना चाहती हूँ, और फिर हम दोनों आप सबसे रुख्सत लेंगे। आप कहते हैं, मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं उनसे क्यों नहीं सुन रही, नहीं मैं उनको सुनाना चाहती हूँ कि मुझको उनके अशआर बहुत अच्छे लगे। इश्क में तजुर्बात मत करना, अब किसी से भी हाथ मत करना, क्या अच्छा कहा है इसमें, खास तौर पे मुझे जो अच्छा लगा ये शेर के, वक्त आए तो साथ भी देना, वक्त आए तो साथ भी देना, यार खुद को फरात मत करना, यार खुद को फरात मत करना, अच्छे शेरों की आरजू है तो, ये वो सवाल है खालिद जो हम आज बोलते रहे हैं इसके ऊपर, अच्छे बिल्कुल शेरों की आरजू है तो फालन फायलात मत करना, यानी कि शेरियत और ख्याल की तरफ तवज्जो करनी है, शाम तुझ बिन अजाब है खालिद, शाम तुझ बिन अजाब है खालिद, रास्ते में ही रात मत करना। दोस्तों ये थे खालिद नदीम शानी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने हमको वक्त दिया, आज 12 रबीउल अव्वल है, जश्न ईद मिलाद उन्नबी, आप सबको और तमाम कायनात को हम दोनों की तरफ से बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोस्तों मदे इसके मुबारक, साथ ही हम लोग को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं आपके लिए एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगी, जब तक के लिए डॉक्टर निकित तस्सीम और खालिद नदीम शानी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।